गाइस अगर आप काफी कम समय में अपने फोटो से स्काई चेंज स्टेटस रील्स वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वन क्लिक में स्काई चेंज स्टेटस रील्स वीडियो बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आपको ऐसी स्काई चेंज स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में मेवी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं। गाइस जैसे आप मेवी ऐप को ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारा कैटेगरी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट है और न्यू में सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको इसके बाद मिल जाता है रील्स का कैटेगरी। तो सिंपली आपको रील्स पे क्लिक करना है और जो भी इंस्टाग्राम रील्स पे स्काई चेंज स्टेटस वीडियो वायरल होता है उसका यहाँ पे टेम्पलेट आपको सबसे पहले इस रील्स कैटेगरी में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्काई चेंज स्टेटस रील्स ही बनाना है फोटो को ऐड करके, तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिल जाता है स्काई चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रॉल करोगे तो आपको लॉक के बाद में कैटेगरी मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैटेगरी में आपको यहाँ पे स्काई चेंज स्टेटस वीडियो से रिलेटेड टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सिंपली आपको इसमें से जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है उसे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अभी जो इंस्टा पे ट्रेंडिंग में टेम्पलेट, तो यहाँ पे रील्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो तीन नंबर पे टेम्पलेट है, तो सिंपली यही टेम्पलेट अभी इंस्टा पे ट्रेंडिंग में है, तो इस टेम्पलेट को चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस जब आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो तो आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है वीडियो बनाए का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे वीडियो बनाए पे क्लिक करते हो तो आपका गैलरी ओपन हो जाता है। अब गाइस आपको अपने गैलरी से आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है। अब गाइस जैसे आप फोटो ऐड करते हो तो यहाँ पे स्कैनिंग होता है, उसके बाद इस टेम्पलेट में आपका फोटो यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो ऐड हो गया है। अगर आपका फोटो यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है तो इसे आप एडजस्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप क्रॉप यहाँ पे कर सकते हो और अपने फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेम्पलेट में मेरा फोटो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया है। अगर आप इस फोटो के जगह पे दूसरा फोटो ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको फिर से फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे रिप्लेस पे क्लिक करोगे गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो फिर आपको गैलरी से दूसरा फोटो सेलेक्ट करना है। अब गाइस अगर आप अपने फोटो में फिल्टर ऐड करना चाहते हो मेवी ऐप में ही, तो सिंपली फिर आपको फोटो पे क्लिक करना है, फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें से जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और ये फिल्टर यहाँ पे आपके फोटो में अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर लेने के बाद आपको टिक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सभी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब इसे आपको एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपली एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यह वीडियो एक्सपोर्ट होके आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यह वीडियो मेरे गैलरी में सेव हो गया है। अब गाइस इस वीडियो में म्यूजिक यूज हुआ है क्यों वे वजह दिए सजा। इस म्यूजिक का अगर आप इस पे लिरिक ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है और वहां पे आपको इस सॉन्ग का लिरिक बहुत सारा मिल जाएगा, तो वहां से आपको ब्लैक स्क्रीन लिरिक डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद VN एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अभी आप जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किए हो इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। अब गाइस सिंपली आपको ओवरले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है और जिस लिरिक वीडियो को आप डाउनलोड किए हो उस लिरिक वीडियो को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिरिक वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर आप इस लिरिक वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आपको इस लिरिक वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इसे जूम कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लाइटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस लिरिक वीडियो से बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज हो गया। अब गाइस इसे यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करना है और इसे आपको एडजस्ट कर लेना है ऑडियो के अकॉर्डिंग। अगर आपका ऑडियो का लिरिक आपके वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है, आपका जो ऑडियो का लिरिक है वे फास्ट है, तो सिंपली आपको ऑडियो लिरिक को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे स्पीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको इसे प्ले करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा लिरिक है वे मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब गाइस इस प्रकार से आपको अपने वीडियो में लिरिक ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और टिक पे क्लिक कर देना है। यह वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप बिना समय लगाए वन क्लिक में मेवी ऐप की मदद से स्काई चेंज रील्स वीडियो एडिट कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।